देखिए आज मैं लेके आई हूँ न्यू डिजाइन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। चाहे आप छोटा डोरमैट बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, सभी में इस वाली डिजाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम फंदे डालेंगे इस वाले कलर के। देखिए मेरे पास दो साड़ी थी, मैंने सोचा दो साड़ियों से प्यारी सी डिजाइन बनाई जाए, तो ये मैंने देखो दो फंदे थे, वो दो कलर से बनाने जा रही हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और ये दस। दस फंदे मैंने इस कलर के बनाए हैं, तो दस फंदे हम इस वाले कलर के भी लगाएंगे। तो देखिए दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और ये दस। दस फंदे, दोनों बीस फंदे हो गए, आपको दिख रहे होंगे। अब सादा रो लगाएंगे। देखिए मैंने अपनी साड़ियों की पट्टियाँ कट की हैं एक एक इंची की। अगर आप एक एक इंची की पट्टियाँ करी हैं मैंने, अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इस जगह पे आप 20-20 फंदे भी डाल सकते हैं, और 10-10 फंदे डाले हैं तो 15-15 फंदे भी कर सकते हैं। आप कितने भी इसमें फंदे बढ़ा सकते हैं अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो, अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो इसमें फंदे घटा भी सकते हैं। तो देखिए पहले ही रो से हम बनाना शुरू करेंगे और इस तरीके से। देखिए इसे हम इस तरीके से बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे धागे को, इस वाले धागे को पीछे की तरफ निकाल देंगे। अब इन वालों 10 फंदों को बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये वाले भी 10 फंदे मैंने बना लिए हैं। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, ये मैंने दोनों तरफ के 10-10 फंदे बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इधर की साइड से हमने एक फंदा इस तरीके से बढ़ाया, आपको दिख रहा होगा एक फंदा मैंने बढ़ाया और बनाना शुरू कर लिया। एक फंदा बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ से हम इस वाले फंदे को यहाँ पे रखेंगे और इसे हम पीछे की तरफ निकालते हुए अंटे देते जाएंगे और अपने इस डोरमैट की बनाना बनाते जाएंगे, क्योंकि अंटे नहीं लगाएंगे तो हमारा डोरमैट अच्छा नहीं आएगा और वो बेकार हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, इधर की साइड में हमने क्या किया है, देखो उधर की साइड में हमने फंदा बढ़ाया था, इधर की साइड में हम दो फंदे छोड़ रहे हैं। अब करेंगे सीधी तरफ, जैसे हमने उल्टी तरफ से बनाया है वैसे ही सीधी तरफ से बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने दो फंदे छोड़े हैं, तो इसी तरीके से हम दो दो फंदे छोड़ते हुए थोड़ा सा बनाकर, यानी आधी कली को बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आधी कली को पहले बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर डिजाइन आएगी इसकी। मगर अंटे हम दोनों तरफ से लगाएंगे, सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से। देखो इधर की साइड में रख के हम इसे पीछे की तरफ निकाल देंगे और बनाते जाएंगे। जो हमने फंदा बढ़ाया था उसे भी हम बना लेंगे। देखिए ये वाला फंदा मैंने बढ़ाया, उसे भी बना लिया मैंने। अब क्या करेंगे, जैसे हमने एक फंदा बढ़ाया है वैसे ही दो फंदे और बढ़ा, यानी इसी तरीके से चार फंदे, पांच फंदे बढ़ाएंगे। देखो एक बढ़ गया, दूसरा बढ़ा रही हूँ मैं।
थोड़ा सा बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ इसी तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ से ये दो दो करके सभी फंदे छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 पांच फंदे मैंने छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने कितने फंदे बढ़ाए हैं, 1 2 3 4 5 पांच फंदे मैंने यानी 14 फंदे किए हैं। मैंने यहाँ पे 10 फंदों के 14 फंदे कर लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ से डबल फंदा लेंगे और कम कर देंगे। एक फंदा मैंने कम कर दिया, अब बनाते जाएंगे, यहाँ से बनाते जाएंगे। अब देखिए ध्यान से देखना, इन दोनों फंदों को हम फिर से छोड़ेंगे। ऐसे दो दो करके मैंने सभी फंदों को छोड़ दिया है, ऐसे ही इन वाले फंदों को छोड़ेंगे। इस नीले कलर को हम यहीं पर रहने देंगे और फिर से इसी तरीके से देखिए ये मैंने पूरी बनाई। अब फिर से यहाँ से शुरुआत करेंगे तो फिर से एक फंदा छोड़ेंगे। इसी तरीके से हमने चारों फंदे बढ़ाए थे, चारों फंदों को छोड़ देंगे। फिर से घटाया, देखो मैंने एक फंदा और इधर की साइड में फिर से हम दो फंदे छोड़ेंगे। देखिए दो पहले से छोड़े थे, फिर दो छोड़ रही हूँ। तो इस वाली कली को पहले कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अब क्या करेंगे, देखो अब हमारे फिर से 10 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 पांच दूनी 10। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो इस वाले धागे को हम यहाँ पे रखेंगे, इसे हम इस तरीके से यहाँ से बनाएंगे। देख रहे हैं ना, मैंने धागा चेंज कर दिया है और उल्टी तरफ से ही किया है। इन 10 फंदों को हम अब इस वाले कलर से लेंगे। ये देखिए सभी फंदों को ले लिया मैंने। अब ये इस वाले कलर को हम यहाँ पे इधर की साइड में कर देंगे और इस वाले कलर से अब बनाना शुरू करेंगे। इन वाले फंदों को हम इससे बनाएंगे। देखो कितना सुंदर डोरमेट आएगा। देखिए मैंने दोनों कलर चेंज कर दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। देखो तो इसी तरीके से अब मैंने ये कलर चेंज किए हैं और ए वाली कली बना के तैयार की है। ऐसे ही चार फंदे बढ़ाएंगे, चार फंदे घटाएंगे, फिर से अपनी कलियों को कंप्लीट करके थोड़ा सा बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। सेम इसी तरीके से बनेगा, चाहे छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, इसी तरीके से बनेगा जो मैंने आपको ये कली बनाकर दिखाई है। देखो इस तरीके से, तो थोड़ा सा बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए आप देख रहे हैं मैंने ये एक कलर चेंज करते हुए ये डोरमेट की कलियां बनाई हैं, आपको दिख रही होंगी। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से इस वाले कलर को हम इधर की साइड में करेंगे और फिर से इस वाले कलर को लगाएंगे। बस इतना ध्यान रखना कि कलर चेंज हम उल्टी तरफ से ही करेंगे, सीधी तरफ से नहीं करेंगे। और एक बात कि अगर आप न्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे डोरमेट यानी मेरे चैनल को, अगर आप न्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलना चाहिए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो देखिए यहाँ से मैंने ये वाला कलर ले लिया है और पूरा डोरमेट हम इसी तरीके से बनाएंगे और ऐसे ही गोल डोरमेट बनेगा इसका, गोल वाले डिजाइन में। मैंने आपको ये चार कलियां बनाकर दिखाई हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ डिजाइन बनाकर दिखा रही हूँ। ज्यादा बड़ा बनाएंगे तो ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी,
तो छोटी सी वीडियो में न्यू डिजाइन कैसे सीखे इस वाली वीडियो को जरूर देखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।